أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the most merciful and most mighty. In previous lecture, I have already discussed about the hybrid network. We have discussed that hybrid network is the combination of the server-based network and the peer-to-peer network. So in this lecture, I would like to explain the advantages and disadvantages of the हाइब्रिड नेटवर्क. इस लेक्चर में मैं एडवांटेज हाइब्रिड नेटवर्क की जो एडवांटेजेस हैं उस पर और इसके डिसएडवांटेजेस पर तफसीली लेक्चर दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क. द फर्स्ट एडवांटेजेस इज द इट हैज द एडवांटेजेस ऑफ द सर्वर बेस्ड नेटवर्क. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ द सर्वर बेस्ड द हाइब्रिड नेटवर्क is that it has the advantages of the server-based network. All the advantages of the server-based network is included in the hybrid network. Hybrid network, server-based network की जितनी भी advantages है वो इस network में वैसी की तैसी मौजूद है. For example, उसमें strong central security होती है, इसमें भी है. जिस तरह server-based network में एक strong central security होती है, एक login process होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर अपने यूज़र को डेटा की एक्सेस के लिए प्रोवाइड करती है, इस तरह भी इस हाइब्रिड नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिक्योरिटी मौजूद है. सेंट्रल फाइल स्टोरेज जिस तरह सर्वर बेस्ड नेटवर्क में था, इस तरह ही इधर भी सेंट्रल फाइल स्टोरेज है, यानी फाइल जो है एक मेन सर्वर पर इसकी स्टोरेज होती है जहाँ से उसको एक्सेस किया जाता है. शेयरिंग एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एटसेट्रा, इस तरह एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को भी हम इस हाइब्रिड नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं जिस तरह सर्वर बेस्ड नेटवर्क में हम कर सकते हैं. सेकंड एडवांटेज, मेनी ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द पीयर नेटवर्क. इस तरह हाइब्रिड नेटवर्क में हाइब्रिड नेटवर्क पीयर टू पीयर नेटवर्क के जितनी भी एडवांटेजेस हैं इसमें भी वही एडवांटेजेस मौजूद हैं. नो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, देयर इज़ नो नीड ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. Lower cost and easy setup, lower cost and no need of the network administrator. The advantages of the hybrid network. And third one is the ability of user and network administrator to control security based on the importance of shared resources. This have the extra advantage that a user as well as the network administrator both are can be able to control security over the network. And fourth one, it is extremely flexible. This network is very extremely flexible. It may be modified, it is not fixed. And the fifth one is it is very reliable. As far as its reliability concerned, so इट इज़ मोस्ट ट्रस्ट वर्थी एज कम्पेयर टू द पीयर टू पीयर नेटवर्क. ये काबिल एतमाद है क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रल लॉगिन प्रोसेस है जिससे यूज़र को पास होना पड़ता है. और सिक्स, इजीली स्केलेबल. इट इज़ वेरी इजी टू एक्सटेंड दिस नेटवर्क. इट कैन बी एक्सटेंडेड मोर इजीली एज कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क. सो डिसएडवांटेजेस, इसके नुकायस क्या हैं. इट हैज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सर्वर बेस्ड नेटवर्क. डिसएडवांटेजेस सर्वर बेस्ड नेटवर्क की जितनी भी डिसएडवांटेजेस है वो इस नेटवर्क में मौजूद है. इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव डेडिकेटेड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है सर्वर बेस्ड नेटवर्क में. यहाँ भी एक एक्सपेंसिव डेडिकेटेड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है इन केस इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी हो, विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें ज़रूरत होती है. इसमें एक्सपेंसिव प्रिंटर की ज़रूरत है, केबलिंग की ज़रूरत है, पोस्ट प्रोसेसर सर्वर की ज़रूरत होती है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत होती है. एंड सेकंड वन इज़ डिज़ाइन ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क इज़ वेरी कम्प्लेक्स. लाइक द सर्वर बेस्ड नेटवर्क, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन टू बिल्ड सच टाइप ऑफ नेटवर्क बिकॉज इट नीड्स lots of cable,
nodes and lot of more expensive and dedicated servers. Third drawback is ki jo hai change in hardware in order to connect topology with other topology. In order to connect to another topology of network, it will have to require to change the given topology. So this is another drawbacks of the hybrid network. And the last one is required a lot of cables in installation process. So iski jo last drawback hai isme bahut se cables ki zarurat hoti hai server based network ke muqable mein aur peer to peer network ke muqable mein isme bahut zyada cable ki zarurat hoti hai kyunki isme server bhi hote hain peers bhi hote hain aur kafi long distance tak hum is hybrid network mein connectivity provide kar sakte hain. So iske liye jo installation process hai isme bahut zyada cable ki zarurat hoti hai jo which result in the increase in the cost of this network. So I hope you like this lecture, and if you like it, please share and subscribe it. Thanks for watching. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and most mighty. Previous lecture में हमने bus topology के बारे में detail में lecture दिया था. इस lecture में हम star topology के बारे में पढ़ेंगे. We'll have to discuss about the star topology. So let's begin star topology. स्टार का मतलब यह है कि इसकी जो शेप होती है ये स्टार की शक्ल में होती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ स्टार टॉपोलॉजी. सो इन स्टार टॉपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू द अदर नोड्स थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड हब. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेंट्रल डिवाइस which is called hub, and these nodes are connected. This central device which is called hub or switch or router, it may be called switch or router. So these nodes or these computers are connected to each other through this device. So in this type of network the computers, the nodes are indirectly connected to each other through a central device which is called hub, switch or router. In star topology all the cables run from the computers to a central location where they are connected by a device called hub, switch or router. स्टार टॉपोलॉजी में जितनी भी केबल्स हैं, जितनी भी कंप्यूटर्स हैं, वो एक सेंट्रल लोकेशन के साथ अटैच होते हैं. किसके ज़रिए? इस केबल के ज़रिए. और जिस डिवाइस के साथ ये कनेक्टिविटी देती है, जो कनेक्ट जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है उसे हब, स्विच और राउटर कहा जाता है. अब इसकी यूज़ क्या है, कहाँ पर ये नेटवर्क इस्तेमाल होगा? It will be used when network expansion is expected and when greater reliability of star topology is needed. So this network will be used where network expansion is required and greater reliability is required. ये network उस जगह इस्तेमाल होगी जहाँ पर हमें network की expansion की ज़रूरत होगी. यानी future में हमें इस network को expand करना अगर पड़ता हो तो हम इस टॉपोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे. इसकी एक्सपेंशन स्केलेबिलिटी बहुत आसान है. फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क है, इसमें स्टार नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क को हम एक्सपेंड करना चाहे तो एक दूसरा हब या स्विच लेंगे और वह पहले वाले टॉपोलॉजी के हब या स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क में
इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक स्टार्टअप जी है, ठीक है। अब इस नेटवर्क को मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो इसके साथ एक दूसरा यहाँ पर एक दूसरा हब अटैच करके और इसके साथ अदर नोड्स अटैच करके नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे। तो आसानी के साथ हम इस नेटवर्क को, इस टॉपोलॉजी को आसानी के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। वर्किंग किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। इसमें जब एक सिस्टम डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं किसी दूसरे सिस्टम को, तो पहले कम्युनिकेट करता है सेंट्रल डिवाइस के साथ, जैसे हब है और स्विच है और राउटर है, और फिर ये स्विच, हब और राउटर ये इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करेगा, सारी नोड्स को ये डेटा सेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है PC1 और ये डेटा सेंड करता है PC3 को, ठीक है। तो ये डेटा सेंड करेगा, यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पर सारे सिस्टम को डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो इस मैसेज में जिस सेंडर, जिस रिसीवर का एड्रेस इनकोडेड हो इस मैसेज में, वो सिर्फ डेटा को रिसीव करेगा। तो ये PC3 जो है ये अपना डेटा रिसीव करेगा। तो इस तरह आसानी के साथ ये काम करता है। ईच कंप्यूटर ऑन ए स्टोर नेटवर्क विल कम्युनिकेट्स विद ए सेंट्रल हब दैट रीसेंड द मैसेज टू ऑल द कंप्यूटर इन स्विच स्टार नेटवर्क। दिस इज अ स्विच स्टार। स्विच स्टार नेटवर्क इज दैट नेटवर्क इन विच हियर द सेंट्रल डिवाइस इज स्विच। सो इन केस ऑफ स्विच स्टार नेटवर्क, a system will send data to the central device that is called switch, and it he will broadcast or flood the whole network. He will send the data into the whole network in case of switch star, and only to the destination computer in case of switch star network. ठीक है। The hub can be active or passive. Now this hub can be active or it may be passive. This hub may be active or passive. Active means the ability of the device to boost the signal or regenerate the signal. Agar hub active hai to active ka kya matlab hai? Active ka matlab ye hai ki signal ko ek khas distance tak amplify karta hai, boost karta hai, iski signal ko increase karta hai. और जो पैसिव हब होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता बल्कि रीट्रांसमिट करता है किसी दूसरे नेटवर्क पर। सो द एक्टिव हब कैन बी एक्टिव और पैसिव। व्हाट इज एक्टिव हब? एक्टिव हब्स रीजनरेट द सिग्नल व्हाइल द पैसिव डोंट। एक्टिव हब की खसूसियात ये है कि ये सिग्नल को रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है, और पैसिव हब ये नहीं करता। Active hub require the electrical power to run while passive hub don't. ये किस तरह signal को amplify या regenerate करता है? क्योंकि active hub में electric power होता है और इस electrical power की वजह से ये signal को amplify करता है, जबकि passive hub में ये electrical power नहीं होती। We can extend the star network by placing in other hub and attaching more computer to it or attach that hub to the previous one. It is very easy to extend the star network by placing in other hub, and this is in other hub, and connect that hub with the previous one. So we can easily extend, or we may also extend the network by attaching more cables to the existing hub. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ यहाँ पर ये हमारे साथ एक स्विच है, इसके साथ 5 कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। अब इसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, 5 की जगह 6 रखना चाहता हूँ, तो एक स्मॉल सेगमेंट के ज़रिए एक दूसरा PC इंस्टॉल करके इस नेटवर्क को मैंने एक्सटेंड किया। अगर इसके साथ एक दूसरा स्टार नेटवर्क अटैच करना चाहता हूँ तो एक दूसरा हब ले आऊँगा और इसको पहले वाले हब के साथ और स्विच के साथ अटैच करूँगा और फिर इसके साथ दूसरे
कंप्यूटर को अटैच करूँगा। तो आसानी के साथ मैंने इस नेटवर्क को एक्सटेंड किया। ऑल नोड्स आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वन आर मोर स्विच और हब्स एंड दिस नेटवर्क ऑल द नोड्स ऑल दीज नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दिस सेंट्रल डिवाइस विच इज कॉल्ड स्विच और हब। सो दीज डिवाइसेस आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू दिस सेंट्रल लोकेशन सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल डिवाइस विच इज कॉल्ड स्विच हब आर राउट। लार्ज नेटवर्क यूजिंग एस्ट्रॉ टॉपोलॉजी आर यूजली कंट्रोल बाई वन आर मोर सर्वर्स। सो एन स्टार नेटवर्क दिस सेंट्रल डिवाइस this act as a server and these nodes act as clients. So it is very powerful. The server is more powerful as compared to the clients. इसके example क्या है? Ethernet and BST इसके example है जो स्टार टॉपोलॉजी पे काम करता है। और होम नेटवर्क वेयर सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट बी हब आर स्विच। होम नेटवर्क भी एक स्टार टॉपोलॉजी के एग्जांपल है जिसमें सेंट्रल पॉइंट डिवाइस जो है ये स्विच और हब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।